if given differential equations, each in form y equal to phi o x p इसकी फॉर्म में हो, देन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट एफ ओ एक्स डी पी अपॉन डी एक्स पी, ये आपको फाइंड आउट होगा। ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज रिटर्न एज पी एफ ओ एक्स डी पी अपॉन डी एक्स पी दिस। सपोज दिस फॉर्म इज रिटर्न एज जी ऑफ एक्स पी डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। क्लियर? कोई ना कोई चेंज हुआ जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहां पर कोई ना कोई चेंज आएगा इक्वेशंस में, तो उसको मैंने एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। यहां पर कुछ चेंज आया जब हमें इसको पी को इधर ले गए तो उसको मैंने जी से रिप्रेजेंट कर दिया। वो मर्जी है आप कैसे कर लो। क्लियर? अब आप इसको देखते हो कि इसमें x एंड p ही टू वेरिएबल है, y तो नजर नहीं आ रहा ना। तो जब x एंड p वेरिएबल ही है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? जब इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे आफ्टर सॉल्विंग, we get h o x p c is equal to 0 is third position। हमने इसको सोल्व किया x और p के लिए, कॉन्स्टेंट आया c, तो ये फंक्शन हमारा बन गया h o x p c equal to 0। क्लियर? अब इक्वेशंस थर्ड एंड इक्वेशंस फर्स्ट के थ्रू हम p को एलिमिनेट कर देते हैं। इधर ही लिखता हूं, इधर दूसरी फॉर्म बताऊंगा। वी गेट y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड c, कॉन्स्टेंट आएगा और c आएगा। एक तो सॉल्यूशन ये आ सकता है y इक्वल टू समथिंग, और कभी कभी हम p को एलिमिनेट नहीं कर पाते, कुछ सिचुएशंस ऐसे आती है कि p लिमिट नहीं होता, तो उस दौरान हम x को फंक्शन ऑफ फंक्शन लिख लेता हूं मैं phi 1 ऑफ पी सी, और y इज इक्वल टू phi 2 ऑफ पी सी की फॉर्म में लिख देते हैं। मींस x और y अलग अलग पी सी की फॉर्म में आ जाते हैं। ये कब है? जब हमारा इक्वेशंस y इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स पी की फॉर्म में बनता हो, मतलब y को p एंड x की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, तो हम कहते हैं कि इक्वेशंस फॉर सोल्यूशन सोलेबल फॉर
y। अब मैं यहां पर सेकंड इसी की फॉर्म में लिख रहा हूं, ये हमारा सेकंड मेथड है और ये थर्ड। इक्वेशंस सोल्वेबल फॉर एक्स इफ डिफरेंशियल इक्वेशंस इज इन फॉर्म x इज इक्वल टू phi ओ वाई पी। अब की बार हमें जो x मिला वो वाई पी की फॉर्म में मिला। यहां डिफरेंस देखिएगा, यहां पर y x p की फॉर्म में रिड्यूस हो पाता है, यहां पर x y p की फॉर्म में रिड्यूस होता है। तो जब ये x y p की फॉर्म में रिड्यूस हो तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू y, और डिफ्रेंशिएट करने पर आपको मिलेगा दिस f o y dp अपॉन dx। सॉरी y के रेस्पेक्ट में क्या ना y और p, dx अपॉन dy को आप लिखोगे 1 अपॉन p f o y dp अपॉन dy p। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद सपोज कीजिए आपको फंक्शन मिला g o y dp अपॉन dy एंड p इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारी सेकेंड। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करते हैं, वी गेट एच ओ आपको आएगा वाई पी सी इक्वल टू जीरो, इक्वेशन थर्ड। आप क्या करेंगे, थर्ड एंड फर्स्ट दोनों का यूज करके p को इलिमिनेट करेंगे जो मैंने यहां पर लिखा। पहले भी इसी फॉर्म में यही तो था, सेम टू सेम। वी गेट फंक्शन वी गेट x इज इक्वल टू फाइव वन लिख देता हूं वाई सी, ऐसा कुछ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ, जनरल सॉल्यूशन। लेकिन कभी कभी आप इलिमिनेट नहीं कर पाते p को, तो उस दौरान आप x को लिख दोगे फाइव टू ओ पी सी, और y को लिखोगे फाइव टू ओ फाइव थ्री ओ पी सी। दोनों मेथड पर मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा y की फॉर्म बन पाता है या x की फॉर्म बनाता है। देखिए क्वेश्चंस आपको ये गिवेन है, अगर आप गौर करें तो इस क्वेश्चंस में आप x इज इक्वल टू वाई पी भी ला सकते हो, ठीक है, और y इज इक्वल टू भी ला सकते हो। कैसे, मैं दोनों बताता हूं आपको। आप y इज इक्वल टू तो ये लिख सकते हो, ये इधर लाके 2p से डिवाइड कर दोगे तो x p स्क्वायर और प्लस 1, मैंने डिवाइड कर दिया 2p से, x p की टर्म आ गई। और आप चाहे तो y की x की टर्म में लाना चाहो तो आप ये लिख सकते हो 2yp अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर। कोई डाउट, दोनों ही फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है। क्लियर, मैं आपको इस फॉर्म में रिड्यूस करके इसका सॉल्यूशन बताता हूं पहले। क्लियर, देखिए हम करते हैं बाय मेथड फॉर वाई।
वाई है तो वाई को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, ये आपने किया। एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो पी इज वन, वो एक्स का करोगे तो वन हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी आएगा। फिर प्लस एक्स को सेम रखा, जरा ध्यान दीजिए इसको बेटे, मैं थोड़ा सा ये लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि वो हमें इजी रह जाएगा। ये आएगा वन अपॉन टू को बाहर ले लीजिए, वन अपॉन सॉरी पी और प्लस वन अपॉन पी, इस फॉर्म को ये लिखा जा सकता है कि नहीं? क्लियर, समझ में आया? ये मैं यहां पर भी ऐसे लिख देता हूं, वन अपॉन टू पी प्लस वन बाय पी, फिर प्लस एक्स अपॉन टू, इसको पी के पी को एक्स के रेस्पेक्ट में किया, डी पी अपॉन डी एक्स आएगा, माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर और डी पी अपॉन डी एक्स आएगा। बेटे ये समझ में आया कि नहीं? पी को ऊपर ले जाओगे ना तो पी की पावर माइनस वन हो जाएगा, पी की पावर माइनस वन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? माइनस पी की पावर माइनस टू डी पी अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स को पी आपने पुट किया, वन अपॉन टू पी प्लस वन अपॉन पी प्लस एक्स अपॉन टू डी पी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट से बाहर ले लिया, वन अपॉन पी स्क्वायर, ये हमें मिला। क्लियर, इस पी को इधर ले आइए राइट साइड में। जब आप राइट साइड में लाओगे तो यहां पर पी ये पॉजिटिव है, यहां पर ये पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? वन अपॉन पी माइनस वन अपॉन टू पी। बेटे इन दोनों को सोल्व किया, देखो वन अपॉन टू का यहां पर मल्टीपल होगा, ओके वन अपॉन टू यहां पर भी आएगा टू पी। क्लियर, फिर प्लस एक्स अपॉन टू डी पी अपॉन डी एक्स, मैं यहां से पी कॉमन ले रहा हूं, या ऐसा कहिए वन अपॉन पी कॉमन ले रहा हूं, वन अपॉन पी। क्लियर, वन अपॉन पी कॉमन लोगे तो यहां पर आ जाएगा पी और यहां पर माइनस वन अपॉन पी, नहीं समझे? देखो जो कॉमन लेते हैं ना उस वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो वन अपॉन पी करोगे तो पी पलटी करके ऊपर चला जाएगा, यहां पर ही कैंसिल हो जाएगा। देखो जरा ध्यान दीजिए, इक्वल टू जीरो हो गया बेटा ये, यहां पर वन अपॉन टू पी है, माइनस वन अपॉन पी है, राइट? अगर मैं यहां से वन अपॉन टू कॉमन ले लू, वन अपॉन टू ये वाली पोजिशन कर दो, तो आप क्या पाएंगे कि ये और ये नेगेटिव साइन का डिफरेंस रख रहे हैं बस, माइनस भी अगर कॉमन ले दो तो ये वाला कॉमन आ जाएगा कि नहीं दोनों में? क्लियर, तो मैंने इसको कॉमन लिया, वन अपॉन पी माइनस पी ये कॉमन ले दिया मैंने, और क्या रहा? वन अपॉन टू, और बेटे यहां से माइनस कॉमन लेकर जब लिया जाएगा कॉमन, माइनस वन अपॉन टू एक्स डी पी अपॉन डी एक्स इंटू वन अपॉन पी, ये कॉमन लिया मैंने, कोई डाउट? समझ गया ना, यहां पर प्लस था ये यहां पर माइनस था, तो मैंने ये वाला पार्ट कॉमन लिया, तो यहां से माइनस कॉमन और चाहिए मुझको, तब ये उस जैसा बनेगा, समझ में आया? तो ये हमारा पार्ट हो गया। अब जिसमें हमारा डी पी अपॉन डी एक्स है उसको यूज करना है, ये पार्ट हमें यूज में नहीं लाना। क्लियर, हमें किसको करना है? इसको डी पी अपॉन डी एक्स या डी पी अपॉन डी वाई जिसमें होता है उसको हमें जनरल सॉल्यूशन के लिए यूज में लाना है। क्लियर, मैंने वन अपॉन टू माइनस एक्स अपॉन पी
टू डी पी अपॉन डी एक्स, क्योंकि फैक्टर है इक्वल टू जीरो लिखा जाएगा, लिखा, ये क्या बना, वन इज इक्वल टू एक्स डी पी अपॉन डी एक्स, पी इधर भी आएगा, ये बना बेटे डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी पी अपॉन पी। कोई डाउट? यहां पर इंटीग्रेशन लिया बोथ साइड, ये आया लॉग एक्स माइनस लॉग पी इज इक्वल टू लॉग, सॉरी इक्वल टू इसको ले लेते हो प्लस लॉग सी, तो एक्स इज इक्वल टू पी सी, ये हमें मिला दिस, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन आई थी सेकेंड जिसको हमने डिफ्रेंशिएट करने के बाद फाइंड आउट किया, और ये हमें थर्ड मिला। रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड में पी को एलिमिनेट करना है, करें इलिमिनेटिंग पी, तो बेटे x यहां से p की वैल्यू क्या आई, x अपॉन लिख दीजिए x अपॉन c का होल स्क्वायर माइनस टू वाई एक्स अपॉन सी प्लस x इक्वल टू जीरो, राइट। देखो बेटे यहां पर x, यहां पर x, यहां पर x कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, और आप चाहे तो इसको y इक्वल टू भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको एक्स स्क्वायर एलसीएम माइनस टू वाई सी और प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो लिख सकते, ये हमारा सोल्यूशन हुआ। मैंने साथ के साथ कॉमन लेकर एक्स को इधर जीरो की तरफ पहुंचा दे, खत्म हो जाएगा, फिर एलसीएम भी लिया सी को साथ के साथ कर दिया, तो ये हमारा सोल्यूशन हुआ, क्लियर हुआ। अब आप चाहे तो इसका एक्स फॉर्म में रिड्यूस करके सिंप्लीफिकेशन करना चाहे तो उसको भी कर सकते हैं, इसी क्वेश्चंस को करके दिखाओ या दूसरा क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलिए दूसरा लेता हूं मैं जो एक्स की फॉर्म में रिड्यूस करके सोल्व करते हैं। पी क्यूब माइनस फोर एक्स वाई पी प्लस एट वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को भी, हाँ, एक्स की फॉर्म में रिड्यूस इजी हो जाएगा, वाई की फॉर्म में डिफिकल्ट होगा सोल्व करना, तो हम एक्स की फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं इसको। एक्स की फॉर्म में रिड्यूस करोगे तो क्या आएगा, मैं इसको कर रहा हूं बाय मेथड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं पी क्यूब प्लस एट वाई स्क्वायर अपॉन फोर वाई पी, ये आपको मिला। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू dx upon dy is equal to
इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये आपका आ जाएगा 3p² dp/dy प्लस 16y, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम yx yp। ये जो 4 है हमारा डिनोमिनेटर में, इसको हम कॉमन रख लेते हैं, ठीक है, 1/4 ऐसे। माइनस, अब न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट करो, y के रेस्पेक्ट में क्या है तो 1 और p, फिर प्लस y dp/dy, ये आपको बनेगा अपॉन y²p², ये बन के आया 1/4, ये था ना 4 कॉमन था, तो 1/4 कॉमन ले। क्लियर? इसका मतलब dx/dy का मतलब क्या होता है, 1/p होता है। क्लियर? अगर 1/p होता है तो देखो यहां पर p² है डिनोमिनेटर में, इधर इधर डिनोमिनेटर में p है, तो एक p से साथ के साथ ये कैंसिल कर देता हूं। क्लियर? तो यहां पर जब आप कैंसिल करोगे तो यहां पर पावर 1 रह जाएगी, इसका इधर मल्टीपल कर दो क्रॉस मल्टीपल, तो ये आया 4y²p = 4 को भी ले लिया, और अब इनको मल्टीपल करते हैं 3p² 3p³ हो जाएगा y dp/dy प्लस 16y²p - इनको मल्टीपल करके लिखते हैं, क्योंकि हमें ऐसा तो लग नहीं रहा कि p प्लस दिस ये फैक्टर बन जाए यहां पर, ठीक है, तो इनको मल्टीपल करते हैं, p³ को p से मल्टीपल किया तो p⁴, p³ को इससे किया तो माइनस p³ y dp/dy, 8 को 8y² को p से तो माइनस 8y²p, फिर इसको यहां पर माइनस 8y³ dp/dy, ये आपको फाइंड आउट हुआ। आपका 4y²p उधर ले जाता हो, क्लियर, ये जब आप इसको इधर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, और देखिएगा ये और ये कैंसिल हो रहा ना, 12 रह जाएगा। क्लियर? तो इस पॉइंट को लिखकर दूसरा पॉइंट आगे के स्टेप में यहां पर ही लिख रहा हो, ये हो जाएगा =0, और ये यहां पर आ जाएगा बेटे 12। कोई डाउट? अब यहां पर ये देखिए -8y²p और ये दिस, तो इसमें भी आप सॉल्यूशन कीजिए, और बेटे इसको यहां पर दिस टर्म एंड दिस टर्म एक साथ आ जाएगी, क्या आएगा 2p³y dp/dy, दिस और दिस, फिर दिस टर्म इसी के साथ ले लीजिए -8y³ dp/dy, दिस एंड दिस, ये प्लस 4y²p, इसको और इसको यूज किया, ठीक है, ये भी हमने यूज में ली और ये भी, अब ये रह गया ओनली, ठीक है, -p⁴=0। यहां पर क्या कॉमन आएगा बताइए, क्या कॉमन बनता है, 2y dp/dy 2y
डी पी अपॉन डी वाई। बेटे थोड़ा सा हमें इधर के अकॉर्डिंग भी प्रूफिंग में लाना होता है। जैसे मैंने ये कॉमन लिया तो क्या बना, पहले ये देखता हूं ये बन क्या आएगा, टू भी लिया आपने कॉमन तो ये आया पी क्यूब और माइनस फोर वाई स्क्वायर। क्या ऐसा यहां पर बन सकता है, बन सकता है। अगर यहां से मैं माइनस पी कॉमन लेता हूं तो ये फैक्टर बन जाएगा, बन रहा है तो माइनस पी कॉमन पी क्यूब माइनस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, फैक्टर बना टू वाई डी पी अपॉन डी वाई माइनस पी ब्रैकेट पी क्यूब माइनस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्लियर, ये नोट कर लिया। अब यहां से ये फैक्टर यूज में लाना है, इसको जीरो बना देना। क्या बना, टू वाई डी पी अपॉन डी वाई और माइनस पी इक्वल टू जीरो, तो दैट इज इक्वल टू ये लिखा जा सकता है। ये बेटे आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ वन ऑर्डर एंड वन डिग्री का हो गया। तो डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई, यहां पर टू ले लेते हैं, अपॉन वाई, ये आपको बनेगा टू लॉग पी इक्वल टू लॉग वाई प्लस लॉग सी, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया आपने, तो ये आया पी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई सी, दैट इज वाई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन सी। या सॉरी इसी फॉर्म में रहने दो, क्योंकि हमें तो पी की वैल्यू निकालनी होती है, पी को एलिमिनेट करना होता है। ये हमारा थर्ड पोर्शन बन गया, सेकंड पोर्शन मैंने लिखा भी नहीं होगा शायद। इक्वेशंस क्या थी हमारी जो गिवन थी, जरा बताओ, हमारे पास थी पी क्यूब माइनस फोर एक्स वाई पी प्लस एट वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, राइट। तो यहां से p निकाल लीजिए और यहां पर पुट कर दीजिए, क्लियर। p आपका क्या बना, क्योंकि हमें तो इलिमिनेट करना है ना p को, वाई सी इलिमिनेटिंग, ये फर्स्ट है हमारी। तो ये आ जाएगा वाई सी की होल पावर थ्री बाई टू माइनस फोर एक्स वाई, वाई सी की पावर वन बाई टू प्लस एट वाई की पावर टू इक्वल टू जीरो। तो कॉमन भी आ रहा है, ध्यान दीजिए वाई की पावर थ्री बाई टू कॉमन आ रहा है। देखो वाई की पावर थ्री बाई टू बनेगा यहां पर, यहां पर वाई वन बाई टू और प्लस वन थ्री बाई टू बना, और यहां से भी थ्री बाई टू कॉमन आ जाएगा, तो ये बाहर निकाल दीजिए। तो ये आ जाएगा c की पावर 3 बाई टू माइनस फोर एक्स सी की पावर 1 बाई टू प्लस एट वाई की पावर 1 बाई टू इज इक्वल टू जीरो, ये आंसर आ गया हमारा, क्लियर।